अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो है इसमें हम वेबसाइट को कैसे लिंक करते हैं डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ऐड के साथ। तो इसमें हम ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज़ करने के साथ साथ हम जो है देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे लिंक करते हैं, अपने ब्लॉग को कैसे लिंक करते हैं, ताकि हमारा ऐड जब उस पर कोई क्लिक करता है या कोई बटन कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है वेबसाइट के ऊपर या किसी लैंडिंग पेज के ऊपर। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो एंड तक देखा करें ताकि जो है वीडियो भी सही समझ लगे। बहुत सारे लोग फॉरवर्ड करके देखते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उसको प्रॉपर वैसे नहीं देखते, तो उसमें ये होता है कि जो है वो चीज़ को सही तरह नहीं समझ सकते। इसको समझने का यही तरीका है कि आप कम से कम वीडियो को 2 या 3 बार देखें, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वीडियो में जो है किसी भी चीज़ को समझने की मुश्किल नहीं होगी। तो आए चले हम इस वीडियो को कंटिन्यू। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम अपनी वेबसाइट को कैसे लिंक करेंगे अपने ऐड के साथ। तो हम इसमें ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हुए इसको करेंगे लिंक। आप बाकी भी एड्स में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज़ करें। या आपने देखना है कि किस में आपको वेबसाइट लिंक्स की जो है वो ऑप्शन मिल रही हैं, जैसे कि कैटलॉग एड्स हैं आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लीड जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं आप अपने लिंक्स जो है, आप बहुत सारी जो है एड्स में फेसबुक के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये जो है हमारा जो है गाइडेड क्रिएशन टूल है। यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हुए हमने, अगर आपकी कोई कैटेगरी हो, आपकी क्रेडिट की, एम्प्लॉयमेंट की, हाउसिंग की, सोशल इश्यूज़ की, इलेक्शंस की या पॉलिटिक्स की, तो आप इधर से इसको चेक कर दें और अपनी जो अप्रोप्रिएट जो उसमें से ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज इसको ऐसे ब्लैंक रहने दें। फिर उसके बाद आप आएंगे ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव, आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप एड सेट के लेवल में, ये देखें हमारे पास 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास कैंपेन लेवल है, फिर एड सेट है और फिर ऐड है। तो अब हम एड सेट वाले लेवल में आ गए। यहाँ से हमने वेबसाइट का जो है जो ऑप्शन को ट्रैफिक को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने एड सेट नेम दे देना। उसके बाद आप यहाँ से अपना जो है क्रिएटिव चूज़ करेंगे। अगर आप किस तरह की ऑफ़र कोई देना चाह रहे हैं तो आप ऑफ़र ऑन कर दें। अगर आप कोई डायनामिक क्रिएटिव यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप डायनामिक क्रिएटिव ऑन करके बहुत सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं एक ऐड में। उसमें आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उसमें आप लिंक्स चेंज कर सकते हैं। वो आपने देखना है कि उसको कैसे काम करती है, हम उसको भी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऑडियंस की कोई क्लियर नहीं हो रही कि आपने ऑडियंस किस तरह लेनी है, तो आपने ये करना है कि सिंपली आप अपने पेज पे आ जाएं। पेज पे आने के बाद ही मैंने पहले इनसाइट्स का टैब ओपन किया हुआ। अगर आपको यहाँ पर ना नज़र आए तो मोर की ऑप्शन में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनसाइट्स के टैब में आने के बाद योर फैंस, योर फॉलोअर्स और पीपल रीच और जो है पीपल इंगेज्ड आपको ये नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। तो आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ से आके अपने जो है डेमोग्राफिक्स देख लेने हैं कि आप अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर लिया हुआ है वो है मेंस, 90% मेन हैं जो मेरे पेज से इंगेज हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे एज रेंजेस जो हैं वो 8 to 24 और 25 to 34 एज रेंज है ज़्यादा। तो मैं इसमें से जो अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना चाहूँगा उसको टारगेट कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जब मैं अपना ऐड रन करूँगा। मुझे यहाँ से अपनी कंट्रीज़ देख लेनी है कि कंट्रीज़ कौन सी हैं, या मुझे सिटीज़ देख लेनी है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से मेरी ट्रैफिक आ रही है मेरे पेज के ऊपर। तो मैंने उसी तरह आकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना अपनी एज रेंजेस को और अपने जेंडर्स को। लैंग्वेजेस अगर आप करना चाहें तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज का भी सेक्शन मिल रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं लैंग्वेज वाले कनेक्टेड हैं, तो आपने एज इट इज़ वो लैंग्वेज ले लेनी है। अगर आपको नहीं कोई आइडिया कि ये लैंग्वेज आप यूज़ करना चाह रहे हैं और आपको आइडिया ना हो लैंग्वेज का कि कौन सी लैंग्वेज बेहतर है, तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना। फिर उसके बाद फेसबुक जो है वो इस बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर लिस्ट कर देगी। सबसे ज़्यादा जो आ रहे हो वो आप लेकर तो अपना इसका जो डेमोग्राफिक सेक्शन है उसको फिल आउट करें। फिर इसके बाद डिटेल टारगेटिंग है, ये मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसमें हमने सजेशन टूल जो है हमने वो यूज़ किया, आप उसमें कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं जो YouTube पे इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख भी सकते हैं सजेशन टूल को। आपने अपनी प्लेसमेंट सेट कर लेनी है। प्लेसमेंट सेट करने के बाद हम यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी जो है
हमारी जो है वो लिंक क्लिक्स पर रख देनी है। अगर हम चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना बजट सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरा $5 पर डे बजट है, तो यहाँ पे ये जो मीटर है ऑडियंस साइज़ है ये हमें बता रहा है कि आपकी इतनी ऑडियंस है। ये आपकी ऑडियंस इसके ऊपर बेस करती है जो आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे। जैसे आप इसमें इंटरेस्ट डालेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने क्लिक्स मेरी वेबसाइट पर आएंगे। अभी हमने रफ आइडिया ले लिया, तो जो नेक्स्ट फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम अपने एड लेवल में आ जाएंगे। यहाँ पे असल हमने काम करना है, जो हम अपनी वेबसाइट आज लिंक करेंगे उसमें हमने सबसे पहले अपना पेज सेलेक्ट कर लेना। अपने जो फेसबुक पेज की जो हमने आइडेंटिटी है वो यहाँ पर ले लेनी है। अगर हम कोई भी पेज, अगर आप मल्टीपल पेजेस पे काम कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अपना प्रॉफिट पेज पहले सेलेक्ट करें और अपना इंस्टाग्राम लाजिम कनेक्ट करें, क्योंकि आपका एड बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगा। अगर आपके क्लोथिंग एड्स हैं या आपके जो हैं फूड के एड्स हैं तो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप उसको भी यूज़ करें, इंस्टाग्राम को साथ यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आपने जो है सिंपली क्या करना कि आपने ऐड फॉर्मेट में आ जाना। जैसे ही आप ऐड फॉर्मेट में आएंगे, और यहाँ से मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जब हम नीचे की तरफ आएंगे फॉर्मेट की तरफ, यहाँ से हमने देख लेना है उसमें कौन सा फॉर्मेट यूज़ करने जा रहे हैं। कैरोसेल है, सिंगल इमेज और वीडियो है, या कलेक्शन है। तो इसमें आपने अपनी ऑप्शंस जो आपको बेहतर लगे वो आप उसमें से सिलेक्ट कर लें। आपके जो ऐड आपने जिस तरह का इमेज या आपने वीडियो को क्रिएट की हुई है तो उस तरह आप सेट कर लें, या आप इसमें जब ऐड मीडिया करेंगे तो आप यहाँ से कोई इमेज या वीडियो या आप अपनी कैटलॉग से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं अपनी टेक्स्ट को लेकर। यहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट अपना फीड कर देना, जो आपके पास जो है ऑप्शंस आ जाएंगी। ये डायनेमिक ऐड में हमें ऑप्शंस 1 से 5 तक मिलती हैं। अगर हम ऐड करना चाहें नहीं तो हम इसको सिंपली जो है सिंगल टेक्स्ट के साथ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हेडलाइन आ जाएगी, हेडलाइन हमने फीड कर देनी है। हेडलाइन फीड करने के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर हम चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाएगी वेबसाइट। यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन कहाँ पर लेके जाना, तो डेस्टिनेशन हमारा वेबसाइट है। हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग या कोई भी जो है शॉपिंग कार्ट्स के ऊपर कस्टमर को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले अपने वेबसाइट का डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे अपना वेबसाइट URL में आकर अपना लिंक टाइप कर देंगे। जैसे ही हम अपना लिंक टाइप करेंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर http://smartsa.com। अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट को लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो है जैसे मैं इसको करूँगा, इसने इसको ग्रैब कर लिया और ये वहाँ से प्रीव्यू भी कुछ उठा लेगा अगर मेरे पास अभी कोई इमेज वगैरह नहीं है। देन उसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी इसमें एस लगना था क्योंकि ये मेरा है, तो मैं इसके अंदर सॉरी एस लगाऊँगा साथ, ये मेरा है उस्मान SA। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये जो है इसको प्रॉपर्ली फैच करेगा। प्रॉपर्ली फैच करने के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है डिस्प्ले लिंक ऑप्शनल है, हम चाहते हैं इसमें शॉर्टन URL दे दें, तो यहाँ पे जस्ट मैं अपनी वेबसाइट का नाम दूंगा ताकि जो है कस्टमर को बहुत ज़्यादा लिंक्स, लंबे लिंक्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाले नहीं लगते। तो ये है कि हम इसको सिंपली नॉर्मल लिंक अपना दे देंगे यहाँ पे .com। यहाँ पे अगर हमारा कोई लैंडिंग पेज भी है तो हम उसको कंप्लीट भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, इसमें से हमने अपना बटन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम अपना बटन सेलेक्ट करेंगे, आपका बटन फॉर एग्ज़ाम्पल बुक नाउ का बटन है, अगर आपकी कोई बुकिंग है तो आप बुक नाउ पे रख सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट का आप कोई पढ़ाना चाह रहे हैं किसी को तो आप लर्न मोर पे कर सकते हैं। जैसे आप लर्न मोर पे करेंगे तो यहाँ पे एक बटन भी इसके साथ ऐड के साथ क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको सारी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। हम करते ही हैं कि हम इसको जो है एक प्रीव्यू ले लेते हैं। हम यहाँ से जो है इसमें एक जो है इमेज ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इमेज में 3 किस्म की ऑप्शन है। पहली ऑप्शन हमारे पास अकाउंट इमेज की है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पेज इमेजेस होती हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पर फ्री स्टॉक इमेजेस होती हैं। हम यहाँ पे इंस्टाग्राम इमेजेस भी ले सकते हैं।
तो यहाँ से हम फ्री स्टॉक इमेज ले लेते हैं। ये हमारी इमेजेस लोड हो गई हैं, फ्री स्टॉक इमेजेस। हम इसमें से कोई भी इमेज ऐसे ऐड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास प्रीव्यू में ये इमेज ऐड हो जाएगी। इमेज ऐड होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग में कुछ मसला है, आज स्लो थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है, तो तो जैसे ही ये लोड होगी यहाँ पर मैं अपना प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करूँगा जो कि मेरा ऐड प्रीव्यू में ऐड होता जाएगा। जैसे मैं अपने ऐड की क्रिएशन जा रहा हूँ मैं उस तरह का अपना ऐड क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करता हूँ। आप यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर फेसबुक, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर यू लुकिंग फॉर सोशल मीडिया मैनेजर। अगर हम इस तरह का कोई क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इफेक्टिव होते हैं, जहन में रखें क्वेश्चन। आप जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट होंगे। तो आपने जो है इसके अंदर जो है इसको ऐड कर देना, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो है इसमें अपनी हेडलाइन दे देनी है। हेडलाइन आप जो है सिंपली यहाँ पर आकर हेडलाइन ऐड कर दें कि गेट फ्री ट्रेनिंग। जैसे आप इसमें जो है गेट फ्री ट्रेनिंग लिखते हैं तो ये भी हमारे इसमें ऐड में ऐड हो जाएगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल, अगर हम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर आप ना देना चाहें तो इसमें कोई ये ऑप्शनल होती है तो इसका कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आप अपने वेबसाइट का लिंक दे देंगे। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको लिंक को भी देते हैं डीपी, तो ये मैंने अपना वेबसाइट का लिंक इसमें ऐड कर दिया। और जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अब फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर मेरी मेरे ऐड देखता है फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या जो डिफरेंट प्लेसमेंट्स मैंने यूज़ की हुई हैं उसके ऊपर मेरा ऐड आकर देखता है, तो सिंपली वो इस पर क्लिक करेगा लैंड मोड के ऊपर और वो मेरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा जो मैंने लैंडिंग पेज अपना दिया हुआ। तो आपने उस तरह लैंडिंग पेज दे देना, फिर उसके बाद आपने डिस्प्ले यूआरएल में मेन वेबसाइट का लिंक आप दे दें। जैसे मेरी यहाँ पे देखें डिस्प्ले यूआरएल लिंक जो है वो यहाँ पर आ रहा है usmanshekh.com, इसमें कंप्लीट लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आकर अपना जो है अप्रोप्रिएट बटन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अगर कोई कोर्स करवा रहा हूँ तो बुक नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अगर मेरी कोई टिकटिंग से रिलेटेड कोई है तो मैं उसको कर सकता हूँ। फिर आपका कोई ब्रांडेड कॉन्टेंट है तो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज ए पार्टनर, आप उसको यहाँ पर शो करवा सकते हैं। जब आप उसको टैग करेंगे तो वो एज ए पार्टनर आपके पास शो हो जाएगा। और फिर आपने फेसबुक पिक्सल जो है वो मस्ट यूज़ करना है इसके अंदर। जब आप अपनी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हों तो हमेशा याद रखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट्स हैं जो कि आपके पास आके जो है लिस्ट होते हैं फेसबुक के अंदर। आपके जो बिज़नेस मैनेजर है उसमें आपको ये फ़ायदा होता है, रिकमेंड भी मैं इसलिए करता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आके जनरेट होती हैं जो कि बाकी जो इंटरफेसेस हैं उसके अंदर हमें नहीं मिलती। तो हमें यहाँ सर इसको फेसबुक पिक्सल को ऑन कर देना। फेसबुक पिक्सल कैसे लगाते हैं ये मैंने एक वीडियो बनाई भी है फेसबुक पिक्सल की, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे फेसबुक पिक्सल जो है वर्डप्रेस के थ्रू या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के साथ। फिर हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और आपका ऐड अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद आपका जो है ऐड चलने लग जाएगा और उसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने लिंक किया है अपनी वेबसाइट को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।